Click on the bell icon to watch our latest videos. सिक्किम घर है विश्व की कुछ सबसे खूबसूरत मॉनेस्ट्रीज का, जिनमें से एक यहाँ की राजधानी गैंगटॉक से 23 किलोमीटर की दूरी पर रुमतेक में स्थित है और जिसे रुमतेक धर्म चक्र सेंटर कहा जाता है। बुद्धिज्म मतलब त्रुथ। ये जो धर्म है या हमें ये सिखाता है कि हमें हर मोड़ पे सच्चाई बोलनी चाहिए, दूसरों की इज्जत करनी चाहिए, कभी भी एनिमल्स को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। शांति का प्रतीक है बुद्धिज्म में जो है एक निष्ठा, और इन लोग को देख करके और थोड़ा सा जो दिल में भक्ति अनुभव हो रहा है, जो इन लोग इतना मतलब इतना स्पिरिचुअल है, जो इनके ऊपर इतना आकर्षित है। माँ बाप ने ये सोचता है कि अपना बच्चों को अच्छा जीवन हो, अच्छा अध्ययन कर सको, और जब बड़ा हो जाएगा इसके बाद में जो बुद्ध की शिक्षा है, जो शांति है, फैलाना का हित है। जो ये मठ बनाया था वो धर्म और जो बुद्धिज्म के बारे में शिक्षा का ट्रेनिंग के लिए उसने ये मंदिर बनाया था। जैसे हम मॉनेस्ट्री में तो मेनली बुद्धिस्ट की जो एजुकेशन है उसी के बारे में हम लोग करते हैं। ये मॉनेस्ट्री टिबेटन बुद्धिज्म का एक प्राचीन सांस्कृतिक केंद्र है। सबसे अच्छा तो फेस्टिवल ही होता है, क्योंकि फेस्टिवल में आते लामा लोग आते हैं, वो लोग का मतलब पढ़ना वढ़ना होता है, वो सब करता है। हम लोग को जो मन में जो है और बाहर जो देखते हैं उसमें थोड़ा फर्क हो जाता है। उसमें हमारा मन का जो चाहता है, मन जो चाहता है, लेकिन हमारा दूसरा कारण से अलग अलग हो जाता है, लेकिन मन में जो चाहता है उसको पाने के लिए हम लोग इस जगह पर आते हैं। यहाँ पे एक तो खासियत है कि ये रुमतेक है, ये वर्ल्ड फेमस मोनास्ट्री क्यों है, क्योंकि यहाँ पे धर्म चक्र नालंदा इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे आप सिर्फ मोनास्ट्री नहीं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्लास भी, स्टूडेंट के लिए पढ़ने का जगह भी है, इसीलिए ये फेमस है। वहाँ पे ऐसा है, वन ईयर्स में खाली 200 रुपया देना पड़ता है, वहाँ पे सब कुछ फ्री में मिलता है, खाना वगैरह, किताब। यहाँ सब बहुत बढ़िया है, यहाँ सब हेल्प भी बहुत ज्यादा करते हैं मुझको, और बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत मजा आया यहाँ। रुमतेक जैसे पवित्र और शक्तिशाली स्थान पर पहुंचकर हमारा मन अपने भीतर झांकने के लिए विवश हो जाता है। आई लुक एट द मॉन्क्स एंड बहुत उन्हें देख के पीसफुल लगता है, सो अंदर जाके अब और पीसफुल लगेगा। वहाँ का सब कुछ अच्छा लगता है, जो छोटे छोटे लामा वगैरह है उन लोग पूजा करते हैं, वो सब सारे पसंद लगते हैं। सब शांति से रहना चाहता है, सब दुख में कोई नहीं रहना चाहता है, लेकिन शांति कहाँ से आता है, शांति कैसे पैदा होता है, वो लोग आदमी लोग नहीं सोचता है ना। जैसे मेडिटेट करती संगे चोमलिन देव बुद्ध ने एनलाइटनमेंट पाया था, वही खोजने के लिए मेडिटेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। रुमतेक मोनेस्ट्री में आपका फैसिलिटीज बहुत अच्छा है, वहाँ से जो सीन है वो बहुत ब्यूटीफुल है। वहाँ पे कॉइन जब थ्रो करते हैं ना, जो कॉइन वहाँ पे अटक जाते हैं वो विश पूरा होता है। ये श्रद्धा और साधना ही हमारे मन को उसके मन से मिला सकती है, हमें बुद्ध बना सकती है। जब चाहो ऑन हो जाओ, एपिक ऑन चलाओ, अवेलेबल अक्रॉस ऑल डिवाइसेज।